नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने रिक्वेस्ट किया था कि एमआईएस सीरीज के लेक्चर्स अपलोड करिए सर, तो आपके लिए मैं लेके आऊँ एमआईएस सीरीज का एक और लेक्चर। तो एक्सेल एमआईएस सीरीज सीखने में आप सबका स्वागत है दोस्तों, और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें स्पीडोमीटर। तो चलिए देखते हैं ये स्पीडोमीटर किस तरह से काम कर रहा है। तो ये है मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज, ये तो वैसे फेमस यूट्यूबर है दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी। देन जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनका, यहाँ पे मेरे कंपनी में क्या प्रोग्रेस है मैं देखना चाहता हूँ, उन्होंने कितना टारगेट अचीव किया, ये स्पीडोमीटर के जरिए हम चेक करेंगे। बोन बाम, ओ इन्होंने ज्यादा टारगेट अचीव किया 80। चलिए टेक्निकल सागर के बारे में देखते हैं 70। धर्मेंद्र जी है 35 और टेक्निकल गुरु जी है 50। असल में सब ज्यादा ही टारगेट अचीव करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये स्पीडोमीटर में वैल्यूज डाली है। लेकिन ये मैंने बनाया है एक्सेल के अंदर, और ये एक्सेल सीखने के एमआईएस सीरीज का आपका रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। सो चलिए शुरू करते हैं हम एमआईएस सीखने के लिए। एक्सेल के एमआईएस सीरीज सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। सो दोस्तों, ये है मेरे एमआईएस सीरीज की शीट, जो बैकग्राउंड डेटा है जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ स्पीडोमीटर कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे फेमस यूट्यूबर के नाम लिखे, आप सब इनको जानते होंगे, और उन्होंने जो टारगेट कंप्लीटेड किया मेरे कंपनी के अंदर 80, 70, इस तरह से वैल्यूज मैंने नॉर्मली टाइप कर दिया है। तो इन वैल्यूज की मदद से मैं यहाँ पे स्पीडोमीटर क्रिएट करूंगा। लेकिन स्पीडोमीटर की ये तो टारगेट वैल्यूज है जो आपको शो करनी है उसके अंदर, लेकिन स्पीडोमीटर के लिए जो बैकग्राउंड वैल्यूज लगती है वो कैसे टाइप की, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे टारगेट अचीव लो रेंज के लिए मैंने 3 वैल्यूज ली है, मिडल रेंज के लिए ली है, और हाई रेंज के लिए 3 वैल्यूज ली है। ये वैल्यूज आप ऐसे रैंडमली ले सकते हैं, मैंने 0 रखा है यहाँ पे, 10, 10, 10 रखा है, 15, 15, 15, आप कोई भी साइज का ले सकते हैं, इसे 20, 20 साइज का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रेंज के हिसाब से मैंने इसे साइज दी है। अलग अलग साइज के यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई दे रहे हैं। लास्ट रेंज के लिए मैंने 10 रखा है, और ब्लैंक एरिया के लिए मैंने 100 रखा है। ये कैसे रिप्रेजेंट होगा आपको चार्ट इंसर्ट करने के बाद पता चलेगा। और आगे मैंने सीरीज लेवल भी रखा है जो उसके ऊपर वैल्यूज आएगी, और साथ में मुझे जो पॉइंटर बनाना है उसके लिए पॉइंटर डेटा के लिए मैंने यहाँ पे रखा है टेक्निकल गुरुजी। ये वैल्यूज यहाँ पे कैसे आएगी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे लाना है। टेक्निकल गुरुजी यहाँ पे तो मैंने नाम टाइप किया है, तो यहाँ पे वीलुकअप के जरिए कैसे लाएंगे ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वीलुकअप यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये वैल्यूज हमें वहाँ पे लिंक करनी है, वैल्यूज डायरेक्टली नाम के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। सो यहाँ पे वीलुकअप मैं टाइप कर रहा हूँ। वीलुकअप के अंदर वीलुकअप आपको आता ही होगा, एमआईएस सीख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियोस देखने के पहले आप वीलुकअप तो जानते होंगे, ये मैं समझता हूँ। और वीलुकअप के लिए लुकअप वैल्यू मैं देता हूँ। लुकअप वैल्यू है ये वैल्यूज जिसमें नाम टाइप है, कॉमा, और टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ पे है, ये डेटा है हमारा। देखिए दोस्तों, ये डेटा प्रॉपरली आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और टेबल एरे होने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पे 2 देना है, और लुकअप यहाँ पे 0 देना है। सो ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और यहाँ पे एक एक फंक्शंस में प्रॉपरली अप्लाई करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो जरा लंबा जाएगा, आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ अगर आपको एमआईएस अच्छे से सीखना है तो क्योंकि एमआईएस कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि मैं 2 मिनट या 4 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूं। दोस्तों इसके लिए कम से कम आपको 20 से 30 मिनट का वीडियोज देखना पड़ता है, और उसके बाद आप कुछ अच्छा सीख लेते हो, और सभी कंपनियों को इसका एक रिक्वायरमेंट रहता है दोस्तों, क्योंकि आप कुछ अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो एक्सेल के अंदर तो ही कंपनी आपको हायर करेगी, नहीं तो वैसे भी एक्सेल बेसिक ऑपरेट करने वाले तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। सो चलिए बने रहिए, आगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वीलुकअप अप्लाई करने के बाद क्या होने वाला है। ये टेक्निकल गुरुजी की जो 50 वैल्यू यहाँ पे लिखी है वो आ जाएगी, या फिर आप धर्मेंद्र जी का नाम लिखते हो, या भुवन बाम का कोई भी नाम, या टेक्निकल सागर नाम लिखते हो आप यहाँ पे। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रही है वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन इसके बाद ये निडल साइज तो मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिया है, इसको 2 टाइप किया, फॉर्मल बार में आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। लेकिन ये जो नेक्स्ट वैल्यूज आई है, वो नेक्स्ट वैल्यूज जो दिखाई दे रही है वो वैल्यूज आपको 128 दिखाई दे रहे हैं। तो ये वैल्यूज कैसे आई मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे डिलीट मार रहा हूँ। ये वैल्यूज मुझे इसके अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए, जैसे वैल्यूज मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होनी चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सम, ये फंक्शन यहाँ पे देना है आपको। पहले आपको एडिशन करना है, कौन से नंबर का एडिशन करना है, जो ऊपर के पॉइंटर के साइज के नंबर से उन सब का एडिशन कर लेना है यहाँ पे। तो इनका एडिशन करने के बाद, यहाँ पे मैं इनका एडिशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे एडिशन करने के बाद इस एडिशन में से मैं जो पॉइंटर और निडल ले रहा हूँ, मैं जो जिसकी साइज यहाँ पे ले रहा हूँ उसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे उसमें से ये माइनस करूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम वगैरह चेंज कर लेता हूँ, सपोज टेक्निकल गुरुजी वापस टाइप कर देता हूँ, या धर्मेंद्र टाइप कर देता हूँ, इंद्र, ओके सॉरी धर्मेंद्र जी है, धर्मेंद्र, स्पेलिंग मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे
इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू चेंज हो गई और यहाँ पे आ गया है 163, मतलब चेंज हो गया वैल्यूज। तो ये वैल्यूज इसके रिस्पेक्टिवली चेंज होती जाएगी, ये आपको पता चलेगा चार्ट के अंदर किस तरह से उसका इफेक्ट हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे वैल्यू कब अप्लाई किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे नाम चेंज करते ही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन उसका दिखाई दे, तो वो नाम को हम लोग बॉक्स के अंदर कैसे लिंक करेंगे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सो अभी बारी है चार्ट क्रिएट करने की, तो मैं इसे जरा जूम इन, मतलब जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको चार्ट दिखाना है मुझे, तो चलिए बारी है अभी इंसर्ट चार्ट करने की। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट में क्लिक करूंगा और इंसर्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पाई चार्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पाई चार्ट में यहाँ पे आपको लेना है ये डोनट चार्ट। जी हाँ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये डोनट चार्ट हमें सिलेक्ट करना है। डोनट चार्ट आप अगर सिलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे, तो आपको इस तरह से ये ब्लैंक चार्ट मिल जाएगा और ब्लैंक चार्ट में वैल्यूज ऐड करनी। तो वैल्यूज ऐड कैसे करनी, यहाँ पे डिजाइन टैब दिखाई दे रहा है आपको साथ में, और डिजाइन टैब में आपको करना है यहाँ पे सिलेक्ट डेटा ऑप्शन। सिलेक्ट डेटा में ऐड ऑप्शन मिलेगा, चलिए जी हम मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे इसके पहले भी हमने इसको देखा है। सीरीज नेम यहाँ पे टारगेट एसयू दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे सीरीज वैल्यू के अंदर देखिए सीरीज नेम मैंने टारगेट वैल्यू दे दी है, और यहाँ पे सीरीज वैल्यू जो दिया है, और सीरीज वैल्यूज में ये पूरी वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग ये ब्लैंक एरियाज एंड ऑल, और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में इसे हमें ओके नहीं करना, ये सिलेक्ट डेटा सोर्स जो है इसमें हम लोग और चेंजेस करेंगे। इसमें एडिट डेटा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, एडिट डेटा, यहाँ पे एडिट डेटा पे हम क्लिक करेंगे, और एडिट डेटा के अंदर ये जो एक्सेस है आपका, ये पूरी वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। इसके अंदर आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करके फिर फाइनली इसे ओके करेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये जो वैल्यूज है 0, 10, 20, 30, 45, ये वैल्यूज हमें इसके ऊपर डिस्प्ले करनी है, लेकिन कैसे डिस्प्ले करनी मैं आपको समझा दूंगा, दिखा दूंगा कैसे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। तो यहां तक तो चार्ट आपको समझ में आया कि टारगेट चार्ट इंसर्ट हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं। सबसे पहले इस चार्ट पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूं, और राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस, अगर ये राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन आपके एक्सेल में नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि आप एक्सेल 2010 यूज करो या उसका ओल्ड वर्जन यूज करो एक्सेल का, तो आप लेटेस्ट वर्जन 2013 या 2015 2016 के अंदर ये आप देख सकते हैं ये सब आ रहा है फॉर्मेट डेटा सीरीज। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा फॉर्मेट डेटा सीरीज, तो यहां पे उसके बाद क्या करना है, एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस इसको मैं दे रहा हूं 270। जैसे मैं यहां पे 270 एंटर करूंगा तो आपको यहां पे कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ये चार्ट जो छोटे चार्ट थे अलग अलग एंगल के, ये छोटे चार्ट छोटे साइज के चार्ट ये है, और ये जो बड़ा चार्ट है वो यहां पे इस तरह से आ चुका है। तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद मैं यहां पे डोनट ये जो दिख रहा है डोनट होल साइज, यहां पे मैं इसे कम कर रहा हूं, तो इस तरह से मुझे वो चार्ट बड़ा भी दिखाई देगा। आपको ऐसा बड़ा करना है तो बड़ा कर सकते हैं, चार्ट की वैल्यूज उसमें आपको दिखानी है तो बहुत सारा है ना, इस तरह से साइज कम ज्यादा आप कर सकते हैं, तो वो याद रखना है यहां पे डोनट होल साइज। ओके ठीक है, यहां पे मैंने इतना रख दिया है, ये मैंने आपको समझा दिया किस तरह से करना है इसमें। उसके बाद मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं, इस पे नीचे वाले जो चार्ट है 100 जो लार्ज चार्ट है उस पे क्लिक कर रहा हूं, और इसमें फिल लाइन में जा रहा हूं मैं। फिल लाइन में यहां पे आपको दिखा रहा हूं, फिल लाइन के अंदर इसमें जो कलर है फिल का वो मैं हटा रहा हूं, और वो कैसे हटाना है, यहां पे नो फिल कलर, बस नो फिल बटन पे क्लिक कीजिए आप। नो फिल पे क्लिक करने के बाद यहां पे वो हट गया कलर, और वो चार्ट भी गायब हो चुका है। इस चार्ट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहां पे क्लिक कीजिए। इसके बाद इसमें लेना है आपको डेटा लेबल्स, और डेटा लेबल्स यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन ये जो डेटा लेबल आ चुके हैं दोस्तों, ये डेटा लेबल्स तो यहाँ के नंबर्स आ चुके हैं, ये नहीं आ रहा है 10, क्योंकि ये वैल्यूज आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पे 0, 10, 15 ही मिल रहा है जो उसके लेबल्स हैं। तो मैं इसे कैसे चेंज करूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डेटा लेबल को सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद इसके राइट क्लिक और फॉर्मेट डेटा लेबल्स ऑप्शन में जाऊंगा। डेटा लेबल सिलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन मिलता है, और इसमें मैं ऑप्शन ले रहा हूँ कैटेगरी नेम। कौन सा ऑप्शन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए आप कैटेगरी नेम को आपको सिलेक्ट करना और वैल्यू को हाइड कर देना। यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ मैंने क्या टिक किया, कैटेगरी नेम, तो जो कैटेगरी के नेम थे यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहे हैं प्रॉपरली, और इस तरह से आपको वो चार्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो चार्ट में आपको ये वैल्यूज आ चुके, इस वैल्यूज को जो फॉर्मेट करना चाहते हैं आप, व्हाइट कलर देना चाहते हैं तो फॉर्मेट है आपके पास, या होम टैब में से ही आपको पता है आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पहला चार्ट क्रिएट हो चुका है दोस्तों, जिसमें वैल्यूज जो मुझे चाहिए थी वो मैंने डिस्प्ले की है, प्रॉपरली चार्ट क्रिएट हो गया। लेकिन हमें चार्ट का जो नीडल है वो यहाँ पे लाना है, क्योंकि वो टारगेट एचीव शो करना है मुझे। तो मैं ये जो लीजेंट है नीचे के ये डिलीट कर देता हूँ, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो नीचे के लीजेंट्स मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब मैं इस चार्ट पे क्लिक करूंगा, इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, इस तरह से ये बॉक्स दिखाई देना चाहिए, और इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हमारा प्रोसेस है कि हम
और एक चार्ट ऐड करें, तो उसके लिए मैं डिज़ाइन पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर, और डिज़ाइन पे सिलेक्ट डेटा ऑप्शन से जो हमने इसके पहले यूज़ किया है। इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार मैं फिर से एक और चार्ट के लिए ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद यहाँ पे जो नीचे डेटा मैंने लिया है उसमें एम्प्लॉय रिकॉर्ड को मैं टाइटल दे दूंगा, और सीरीज वैल्यू के अंदर हमें क्या करना है ज़रा देखिए। सीरीज वैल्यू के अंदर मैं ये वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो वैल्यूज है निडल साइज है उसमें, और टारगेट एच यू है, और अनदर एंड मतलब दूसरा एंड जो रहेगा उसका वो भी लिया है मैंने, और मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पे मुझे फिलहाल ओके कर देना है इसे, ओके हो गया है चार्ट, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस चार्ट को मुझे कन्वर्ट करना है दोस्तों, और इस चार्ट को कन्वर्ट करने के लिए मैं जाऊँगा चेंज चार्ट टाइप, और चेंज चार्ट टाइप के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय रिकॉर्ड का जो मैंने सेकेंड वाला चार्ट बनाया था वो आपको यहाँ पे डोनट से हटा के, एम्प्लॉय रिकॉर्ड को डोनट से हटा के क्या करना है आपको, उसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। जी हाँ, पाई चार्ट में कन्वर्ट कीजिए और ओके कीजिए, बस इसको सेकेंड वाले को अपने आपको करना है। ये प्रॉपरली सिलेक्शन के बाद ये होता है दोस्तों, आपको सिलेक्शन प्रॉपर आना चाहिए, चार्ट प्रॉपरली देखिए कि कौन सा चार्ट आपने सिलेक्ट किया कौन सा नहीं किया, क्योंकि आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये ऊपर का चार्ट सिलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पीछे का चार्ट सिलेक्ट हो रहा है जो पाई चार्ट है। तो फिलहाल मुझे पाई चार्ट सिलेक्ट चाहिए, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और फॉर्मेट डेटा सीरीज में जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसेस जो है लंबे स्टेप से दोस्तों, लेकिन ये जो चार्ट का प्रेजेंटेशन बन रहा है ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है, काफ़ी यूजफुल रहता है। तो आप देखते रहिए क्या कर रहा हूँ मैं आगे। अभी मैं सेकेंडरी एक्सेस कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये सेकेंडरी एक्सेस से ये चार्ट इस तरह से आगे आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे फॉलो करके दिखा रहा हूँ ये आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करना है, और ये वीडियोस मेरी मानिएगा साइड में चालू रखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए आप, क्योंकि ये सभी स्टेप्स आपको याद नहीं रहेंगे दोस्तों, एक साथ सभी स्टेप्स याद रखना मुश्किल होता है, तो आप इसको प्रैक्टिस से याद रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से ये आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेकेंडरी एक्सेस क्लिक किया है, और इसके अंदर भी मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। सेकेंडरी एक्सेस में आपको एंगल फर्स्ट लाइट दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 270 करूँगा, 270 यहाँ पे इस तरह से चेंज ले रहा है। इसके अंदर का ये जो ग्रे चार्ट है और ब्लू चार्ट है ये हम यहाँ पे नीचे है, तो ग्रे चार्ट और ब्लू चार्ट नीचे मतलब ग्रे का कलर हमें चेंज निकाल देना होगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें फिल ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये ग्रे और ब्लू कलर अभी हमें यहाँ से हटा देना है, और बस ये निडल से यहाँ पे रखना है। तो ये जो ग्रे कलर है या फिर इसे सिलेक्ट कर लो आप जिससे भी, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नो फिल ऑप्शन मिलेगा, दिखाई दे रहा है ये ऑप्शंस में, और ब्लू पे भी आप क्लिक कीजिए और इसमें भी नो फिल कीजिए, तो आपके पास अभी ये चार्ट बचा है। और इस चार्ट पे भी क्लिक कीजिए और इसको आप ब्लैक कीजिए, इस तरह से ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है आपको कि किस तरह से ये चार्ट आने वाला है। अभी चार्ट के ऊपर वो वैल्यू आनी चाहिए जो वैल्यूज वहाँ पे उसके टारगेट अचीव की है, सो वो वैल्यूज हम कैसे लाएंगे वो देखते हैं। अब इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस चार्ट को ऑलरेडी ये छोटा जो ब्लैक चार्ट है वो मेरा सिलेक्टेड है, और यहाँ पे सिलेक्ट डेटा ऑप्शन में मैं जाऊँगा। सिलेक्ट डेटा में एम्प्लॉय रिकॉर्ड करके आपको ये ऑलरेडी दिखाई दे रहा है सेकेंड वाला रिकॉर्ड, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ देखो, एम्प्लॉय रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे एडिट डेटा पे क्लिक करूंगा, और एडिट डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हटा देना है एक्सेस लेबल्स पहले से, और आपको यहाँ पे जो लेबल दिखाई दे रहा है दोस्तों ये पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है, पहले निडल साइज, फिर ये टारगेट एच यू वाला और ये अनदर एंड, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपको क्या मिला है, फिर आपको यहाँ पे 235 और 63 इस तरह से वैल्यू मिल चुके हैं, और आप अभी ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये वैल्यूज यहाँ पे तुरंत नहीं दिखाई दे रही सपोज आपकी, तो ये वैल्यूज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पता है, इसके लेबल्स आपको शो करने पड़ेंगे, और लेबल यहाँ पे इस ऑप्शन में है डेटा लेबल्स, और डेटा लेबल्स यहाँ से आप शो कर सकते हैं, और ये इस तरह से आपको डेटा लेबल्स दिखाई दे रहा है। लेकिन डेटा लेबल्स के ऑप्शंस में जाइए, अभी आप डेटा लेबल के मोर ऑप्शन यहाँ से भी आप ले सकते हैं डेटा लेबल के अंदर से, या फिर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट डेटा लेबल्स, क्योंकि ये लेबल्स का ऑप्शन हमें चाहिए। और डेटा लेबल्स के फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, डेटा लेबल के फॉर्मेटिंग में हम यहाँ पे कैटेगरी नेम शो करेंगे और ये हटा देंगे, शो लीडर लाइंस वैल्यूज सब हटाना है यहाँ से हमें, और कैटेगरी नेम हम यहाँ पे शो करेंगे। सो यहाँ पे वैल्यूज हटा दिया मैंने, बस यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यूज हटा दिया है कैटेगरी नेम इसको सिलेक्ट करके, तो इसका कैटेगरी का नेम आ चुका है जो 35 वहाँ पे था टारगेट अचीव का वो, और यहाँ पे जो वैल्यूज आती है इसको आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यूज आई है इसको भी आप डिलीट कर दीजिए।
तो इस तरह से ये चार्ट बन चुका है दोस्तों, और ये चार्ट हमारा यहाँ पे चार्ट का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो चार्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज होती जाएगी, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे नाम चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि इसमें आगे आपको बॉक्स लेके किस तरह से वर्क करना है इसके अंदर। सो आपको मैंने एक ऑलरेडी चार्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको डेवलपर टैब में बताया था, ये डेवलपर टैब यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शंस में लीजिएगा, ऑप्शन में जाइएगा और इसे लीजिएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे इंसर्ट में ऑप्शंस है, इंसर्ट में हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूंगा पहले। इंसर्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कॉम्बो बॉक्स, यस ये कॉम्बो बॉक्स पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कीजिए। इस तरह से कॉम्बो बॉक्स लीजिए और इसके अंदर वैल्यू आने के लिए आप इसकी प्रॉपर्टीज को ऑन करेंगे दोस्तों। सो प्रॉपर्टीज तो ऑन कर दी मैंने, प्रॉपर्टीज में अभी मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। उसने बोला कि लिस्ट फिल रेंज और लिंक सेल, तो लिंक सेल और लिस्ट फिल रेंज आप पहले एक्सेल में देख लीजिए। मैं यहाँ पे नीचे जा रहा हूँ और जो मेरी लिस्ट है और लिंक फिल क्या करनी है मुझे, लिंक यहाँ पे चाहिए मुझे, मतलब वहां पे जो नाम सेलेक्ट करूंगा इस बॉक्स में वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए धर्मेंद्र की जगह। तो इसका जो आंसर सेल है वो लिंक सेल मतलब A15 है, और लिस्ट रेंज कौन सी है हमारी, जो लिस्ट है देखो A23 टू A26, जिसमें ये सब नाम अवेलेबल है यूट्यूबर के, भुवन बाम, टेक्निकल सागर, धर्मेंद्र जी एंड टेक्निकल गुरु जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखिए, अभी सो लिंक सेल पे यहाँ पे मैं टाइप करूंगा दोस्तों A15, जिसमें मुझे आंसर चाहिए, और लिस्ट रेंज में मैं क्या टाइप करूंगा, जो मैंने चेक किया वहाँ पे A23 से लेकर A26 में मेरे जो इनपुट नेम है वो अवेलेबल है, तो वो मैंने यहाँ पे ले लिया और मैं एंटर बटन प्रेस कर दूंगा और यहाँ से इसे क्लोज कर दूंगा। अब आपको ये डिज़ाइन मोड हटा देना है, डिज़ाइन मोड यहाँ से आप हटा देंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र की जी का आप अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, भुवन बाम, धर्मेंद्र जी वापिस सिलेक्ट कीजिए, टेक्निकल सागर एंड टेक्निकल गुरु जी दिखाई दे रहा है आपको। सो सपोज अभी यहाँ पे वो नाम डिस्प्ले होना चाहिए, यहाँ पे तो दिख रहा है वैसे, तो यहाँ पे भी वो नाम ब्रॉड में दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए आप इंसर्ट में वो तरीका मैंने पहले से आपको बताया, इंसर्ट में आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे सेल पे क्लिक कीजिए, चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं आते ज़्यादा या टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट नहीं होता, तो टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, और इस टेक्स्ट बॉक्स में नाम लिंक करने के लिए आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला बार में इज इक्वल टू और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। और उसके बाद तो फॉर्मेटिंग्स आपको आती होगी, ये सब बेसिक फॉर्मेटिंग्स है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें अभी एक्सपर्ट हो चुके होंगे किस तरह से करनी है, एक्सेल आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको ये पता ही है किस तरह से फॉर्मेट करने। तो ये फॉर्मेट कर लिया मैंने और ये मेरा चार्ट रेडी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करूंगा, आ रही वैल्यूज भुवन बाम, देन टेक्निकल सागर, और उसके बाद धर्मेंद्र जी, और उसका चार्ट यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है आपको। सो इस तरह से चार्ट का ये प्रेजेंटेशन मैंने आपको बनाया कि दिखाया दोस्तों कि ये एक स्पीडोमीटर चार्ट से हम लोग किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं। मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके जो फीलिंग्स है, आपके जो क्वेश्चंस है, सब कुछ के लिए कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने दिया है दोस्तों, वो वहाँ पे आप टाइप कीजिए। आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाते जाऊँ और आपको रोज रोज नए MIS के वीडियोज लेके आओ आपके लिए, तो आपको लाइक बटन पे क्लिक करना होगा और ये चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करना होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं मिलूंगा आपको और MIS के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।